एग्जिट पोल नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और इसको लेकर काशी वालों में भी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों का समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो अब मंदिरों में पहुंचकर दर्शन पूजन और विधि विधान से जो अनेक आयोजन है वो करना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ ज्ञानवापी मामले के जो पक्षकार हैं, वादी अधिवक्ता हैं, वो जुड़े हैं और इनका उद्देश्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि सभी दलों के साथ 400 सीट हासिल करना जो एग्जिट पोल में बताया भी जा रहा है वो नतीजों में परिवर्तित हो और उसको लेकर रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है वाराणसी के प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर में। चलिए हम बात करेंगे, सुधीर त्रिपाठी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुधीर जी, संकल्प क्या है, खास उद्देश्य क्या है? संकल्प है कि जो पहले संकल्प लिया जा चुका है 400 पार और हमारे अयोध्या मथुरा अन्य जो मंदिर हैं जिनको तोड़ करके मस्जिद का प्रयोग किया जा रहा है उसको हम हासिल कर लें। और आपको बता दें, गोस्वामी जी ने कहा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी जो तप करो कुमारी तुम्हारी, तो बाबा जो हैं आपका भावी भी मिट देते हैं, भविष्य में नहीं है वो भी दे देते हैं, इसलिए हम लोग रुद्राभिषेक किए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपनी योजना है और जो हमारा सनातन की रक्षा है और हमारा देश में शांति है, सुखमय है, इसके लिए हम लोग किए हैं 400 पार, उनका परिणाम बदल जाए। काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विपक्ष के भी नेता पहुंचे, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और वो भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को एक तरफ रखते हुए हम भी 295 सीटें जीतने जा रहे हैं। ऐसा में विपक्ष जो है अपने कर्म को भी देखें, जब कह रहे हैं 370 वापस लाएंगे, तीन तलाक वाला फिर वापस लाएंगे, अग्निवीर वाला जो हमारा बहाल हो रहा है उसको रद्द करेंगे और रामचरित मानस पर बैन करेंगे, गौ माता जो कट रही हैं ठीक हो रही हैं, गंगा हमारी जो है वो विकसित हो रही हैं, सनातन और संत दोनों की रक्षा करने के बगैर वो आताताई करेंगे तो कैसे आएंगे? वो भगवान के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन भगवान के यहाँ जाने से उनके कर्म के अनुसार ही भगवान फल देंगे। हमारे मोदी जी तपस्वी हैं, यशस्वी हैं और ये तपस्या के बल पर, अपने तपोबल पर हमारे जो 400 पार कर लेंगे और हम लोग बाबा से मना रहे हैं कि बाबा उनको इस तपस्या में साथ दें। लगता है कि आसान होगा 400 सीट जीतना, आसान होगा लगता है? जी बिल्कुल, जो है आज हम सभी जो है हमारी चारों बहनें, हमारे सोहन डॉक्टर पैरोकार सोहन लाल आर्य जी, हम सभी लोग इसी आज संकल्प के साथ यहाँ जो है ज्ञान यहाँ पर जो है महामृत्युंजय बाबा के दरबार में इसीलिए आए हैं कि जो है जो कल मतगणना होगा वहाँ 400 नहीं 400 से ज़्यादा 425 तक सीटें आएंगी, जो है इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जो है मोदी जी दीर्घायु हो, यशस्वी हो और जो है हमारा सनातन सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और जो है मजबूती से जो है विश्व में आगे बढ़े विजय पताका मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, इसी संकल्प के साथ। कल मतगणना में क्या कुछ परिणाम होता है?